हाय गाइस, वेलकम टू एलपी ब्यूटी चैनल। आई एम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये जो हेयर स्टाइल मैंने बनाया हुआ है बहुत ही इजी है, कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे पार्टी वार्टी या घूमने वगैरह जा रहे हैं तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेंगे आप। तो चलिए बताते हैं कैसे वीडियो ये हेयर स्टाइल बनाना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे क्या करना है क्लिक करना है बेल आइकन पे ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बीच से मांग निकालनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं, और पूरा अच्छे से इसको चिपका के कॉम करना है। अच्छे से चिपकाना क्यों वो भी मैं अभी बता रही हूँ उससे क्या होगा। ऐसे अच्छे से अगर आप चिपका के कॉम करके फिर हेयर स्टाइल बनाना शुरू करेंगे तो देखिए क्या फ़र्क आता है। चिपका के जब आप इस तरीके से बालों को उठाएंगे तो अपने आप बहुत सुंदर सा ट्विस्टिंग सा बन जाएगा। ये देखिए बन गया ना, ऐसे ही सारे बालों को चिपकाते हुए और हल्का सा उठाना है ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बन जाए। ये कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये हेयर स्टाइल, और वैसे भी अच्छा लगेगा। आप अगर लहंगा वगैरह वो पार्टी वार्टी में तैयार हो रहे हैं शादी वगैरह में तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। हर किसी के ड्रेस पे ये अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल। ये देखिए इसी तरीके से पूरे बालों को बालों में बना लेनी है ट्विस्टिंग, और बहुत ही आसान तरीका है। ओके, अब इसमें पिनअप कर लेंगे हम लोग। अब इस तरीके से दूसरे साइड के बालों को बनाएंगे हेयर स्टाइल। मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ट्विस्टिंग आपका बन जाएगा अगर आपने इस तरीके से कॉम्ब किया होगा तो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये हेयर स्टाइल। आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आए तो, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। अब ये देखिए किस तरीके से बनाना है पूरा। ओके, अब इस तरीके से हम यहाँ पे भी पिनअप कर लेंगे। अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा ताकि खुल ना जाए आपका बाल। हम और दो पिन और लगाएंगे ताकि अच्छे से सिक्योर रहे। ये देखिए हल्का सा पफ का लुक भी आ गया है, हल्का हल्का खींच लेने से और ज़्यादा सुंदर लगेगा हमारा स्टाइल। ओके, अब हम लोग पीछे हाई पोनीटेल बनाएंगे। अगर आपके ये लॉक्स निकल जाते हैं हेयर्स के हेयर लॉक तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, मैं और ज़्यादा सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि मेरा बाल खुल ना जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो मेरा जल्दी खुल जाता है। लेयर्स कटी हो तो आप अच्छे से पिनअप कर ही लीजिएगा, नहीं तो निकलने का डर रहता है। अब हम पीछे हाई पोनीटेल बनाएंगे। हाई पोनीटेल देख लीजिए किस तरीके से बना दें, सारे बालों को ऊपर ला के सेंटर में बीच में एकदम इस तरीके से यहाँ पे रबड़ बैंड से बांध लेना है। ओके, देखिए हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो हाई बन भी बना सकते हैं। देखिए हाई बन बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, उसके बाद आगे के नीचे के बालों में इतने पे एक दबड़ लगा दीजिए और बालों की दो पार्टिंग कर लीजिए इस तरीके से। ओके, और इसको इस तरीके से राउंड करते हुए पूरा जहाँ तक आपका हाई पोनीटेल है वहाँ तक लेके जाइए, और इसको इस तरीके से बालों जो बचे हुए बालों को चारों तरफ लपेट दीजिए और जोड़े पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। ओके, अब जो आपका ये राउंड बाल जो बनाया था आपने उसको फैला लीजिए पूरा अच्छा से ताकि हमारा गोल हाई बन बन जाए। बन जब अच्छे से बन जाए तो इसको जोड़ा पिन की मदद से पिनअप कर लीजिए। ओके, अच्छे से जोड़ा पिन लगा लीजिएगा ताकि खुले ना आपका बाल।
सुंदर लगता है ये हेयर स्टाइल। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को मेरे पास जोड़िए ताकि मैं और इस तरह की मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ। जो भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी सीखना हो आप लोग को पार्लर ब्यूटिशियन मेहंदी वहंदी के बारे में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेयर स्टाइल कैसे बनाया है और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय फ्रेंड्स।